हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का व्हाइट एजुकेशन पे बिहार सिपाही कांस्टेबल फायरमैन और मद निषेध उत्पादन सिपाही की भर्ती को लेकर यहां पर तेईस और तीन सौ पैंसठ पदों की बहाली की प्रक्रिया निकाली गई है जिसके रिगार्डिंग आज जो हमारा सेट नंबर है ये सेट नंबर नाइन है यहाँ से हम लेकर आए हैं आज फिर पचास वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके परीक्षा के लिए अति संभावित प्रश्नों में से एक होंगे तो आप भी इस सेट को लगाएं नीचे कमेंट सेक्शन में अपने आंसर्स को कमेंट करते रहेंगे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेलाइकन दबा के ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जा सके आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम टेलीग्राम पे आपको क्यूजेस भी जल्द शुरू की जाएगी तो आप लोग वहाँ पे भी ज्वाइन जल्दी कर लीजिएगा तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि कंपनी के धारी कौन होंगे इन चार ऑप्शन में से तो देखिए कोई भी कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सीआरओ को है ना सीआरओ के बजाय डिवेंचर यानी कि डिवेंचर यानी को होता है ऋण पत्र क्या होता है ऋण पत्र होता है तो ऋण पत्र जारी करती है और साधारण लोगों के लिए लोन होता है जो कि ऋण के लिए काम वर्ड यूज होता है और ऋण पत्र जारी किए जाते हैं किसके लिए तो कंपनियों के लिए शेयरधारियों के लिए तो, तो यहाँ पे ऐसे ऋणदाता जो कि लेनदार होते हैं ठीक है क्रेडिटर होते हैं इसको कहते हैं ठीक है तो आंसर यहाँ पे हम कर लेंगे बी यानी कि दो इज द राइट आंसर सवाल नंबर चलते हैं दो पे दोस्तों छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है बिल्कुल पारसनाथ उत्तर कर सकते हैं सी इज़ द करेक्ट आंसर भारत के झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में यह छोटा नागपुर का पठार स्थित है और यह जैन धर्म के लिए विख्यात है यह धर्मस्थल और क्योंकि जो जैन धर्म के तेईसवें जो तीर्थकर थे वे यही निर्माण किया करते थे तो आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा पारसनाथ नोट कर लीजिएगा सवाल नंबर तीन पे चलते हैं दोस्तों मारुति कारें मुख्यतः निम्नलिखित में से किस पर आधारित हैं तो मारुति जो है दोस्तों ये कंपनी जापान की है जापान प्रौद्योगिकी से संबंधित है ये ब्रांड वही का है ये ध्यान रखेंगे फ्यूल आधारित होती है ये और जापान की सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन यानी कि एस की ये कंपनी है भारत सरकार के साथ एक संयुक्त परियोजना पर कार्य किया है इन्होंने कब से नाइनटीन एटी से इनका कार्य चल रहा है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे चार पे सूर्य ग्रहण तब होता है जब जी हाँ नोट कर लीजिएगा जब चंद्रमा यानी कि जब चंद्रमा ये ध्यान रखेगा जब चंद्रमा पृथ्वी पृथ्वी और सूर्य और सूर्य ये ये क्या होते हैं? सूर्य जो देखिए जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तो चंद्रमा सूर्य और यहां पर सूर्य मान लीजिए गई है ठीक है तो जब चंद्रमा जो है ये आपका सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो आपका लगता है सूर्य ग्रहण क्योंकि जो, जो सूर्य से आने वाली प्रकाश से हैं वो पृथ्वी पर सही से नहीं पहुंच पाती जिस क्षेत्र में उस क्षेत्र को हम लोग सूर्य ग्रहण का क्षेत्र भी कहते हैं तो ये आंसर कर लीजिए क्वेश्चन नंबर फोर का दोस्तों यहाँ पे ए इज द करेक्ट आंसर सवाल चलते हैं दोस्तों पांच पे ऐसी मुद्रा जिसकी विनियमय दर सरकार के द्वारा प्रभावित होती है विनियमय देखिए प्रबंधित मुद्रा से तात्पर्य होता है ऐसी मुद्रा जो कि विनियमय दर यानी कि स्वतंत्रता बाजार शक्ति पर आधारित मांग और पूर्ति का निर्धारण करती है ठीक है और बल्कि सरकार के हस्तक्षेप करने पर भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा इसकी विनियमय दर निर्धारित की जाती है तो यहाँ पे आंसर कर लीजिएगा प्रतिबंधित मुद्रा होती है जी हाँ बी इज द राइट आंसर सवाल नंबर चलते हैं पे दोस्तों भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध माना जाता है विश्व का सबसे बड़ा बांध कंक्रीट बांध है ये जो कि ग्रैंड कूली बांध के नाम से भी जाना गया ये ध्यान रखिएगा कोलंबिया नदी अमेरिका ठीक है ये अमेरिका में है याद रखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर क्या कर लीजिएगा और भारत के लिए है हीराकुंड बांध ठीक है अगर भारत का कौन सा बांध विश्व का सबसे बड़ा बांध है तो भारत का है ये इसलिए हीराकुंड लेकिन विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है तो वो कंक्रीट बांध है याद रखेंगे ठीक है और ये ग्रैंड कुली बांध इसका नाम है कहाँ पे है भाई कोलंबिया नदी पे है ठीक है भारत में है ये कौन सी नदी पे है हीराकुंड तो महानदी पे है ये दोनों ही चीज़ें आप ध्यान ध्यान रखिएगा सवाल नंबर चलते हैं मित्रों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेवन पे निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षावाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता है सन उन्नीस याद रखिएगा समय काल या एस आर बोमई बनाम भारतीय संघ मामले में न्यायमूर्ति सांवत और कुलदीप सिंह ने ये अवलोकन किया था कि संघवाद और धर्मनिरपेक्षवाद हमारे संविधान के मुख्य लक्षणों में से एक थे ठीक है तो यहाँ पे आंसर क्या कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर सेवन का दोस्तों इट्स बी यानी कि बोमई मामला ठीक है तो आंसर कर लीजिएगा मामल मामला लिख दीजिएगा मामला होगा ठीक है तो बी इज द करेक्ट आंसर नाइनटीन नाइनटी फोर याद रखेंगे सवाल नंबर आठ पे चलते हैं कौन सी समिति आपराधिक राजनीतिक और नौकरशाही संबंध पर स्थापित की गई थी याद होगा आप लोग को ये बोहरा समिति था जी हाँ नोट कर लीजिएगा कब तो 1993 में 1993 में, में बोहरा समिति लाया गया जो कि राजनीतिक अपराधीकरण और भारत में अपराधियों राजनीतज्ञों और नौकरशाही के मध्य आपसी संबंध का अध्ययन करता है सवाल नंबर चलते हैं नौ पे दोस्तों वर्ष में आतंकवाद निरोधक अधिनियम पोटा लागू किया गया था बिल्कुल किस वर्ष लागू किया गया था तो याद रखेंगे सन 2002 में पोटा आया था ठीक है याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आतंकवाद रोकथाम अधिनियम है ये 2002 में इसको लाया गया अच्छा पारित किया गया था इसको इस कानून में करीब उन्नीस से पंचानवे तक है ना ये ध्यान रखेंगे 1985 से पंचानवे यानी कि पूरे दस साल में पारित जितने भी आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां था उसको रोकथाम के लिए तो उसके लिए टाडा ठीक है टाडा लगाया गया था और सन 2001 में इसको पारित किया गया था ठीक है सन 2001 में इसको पारित किया गया था ठीक है तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पोटा है ना पो पोटा का फुल फॉर्म यहाँ पे एग्जाम में पूछ सकता है तो प्रिवेंशन ऑफ टेरिज्म ऑर्डिनेंस एक्ट ठीक है याद रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर दस पे सेलेक्ट द वन विच द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड तो हैकनेड का वर्ड मतलब ये क्या है हैकनेड जो है ये एक वर्ड है एडजेक्टिव ठीक है ध्यान रखिएगा और इसका मतलब होता है घिसा पीटा क्या होता है इसका मतलब घिसा पीटा तो इसके लिए जो एक्सप्रेस कोई वर्ड है मीनिंग जो वर्ड लिखा गया है वो एकदम सिमिलर होना चाहिए तो इसमें आप कह सकते हैं टायर्ड है, है ना नोट कर सकते हैं या बोरिंग या फिर फ्रीट या फिर वैपिड इस सब तरह से आप लोग इसको लिख सकते हैं तो टायर्ड यहाँ पे है भाई ठीक है आंसर कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर ग्यारह भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस शासक से अपना प्रतीक लेकर अपनाया था अशोक इज द राइट आंसर नोट कर लीजिएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रीय चिन्ह उत्तर प्रदेश के वाराणसी के निकट सारनाथ नोट कर सकते हैं आप लोग यहाँ से जी हाँ दोस्तों सारनाथ से लिया गया है जो कि सिंह की एक प्रकृतिक है ना प्रतिकृति है यानी कि उसका जस्ट कॉपी है और ईशा पूर्व तीसरी शताब्दी में सम्राट अशोक ने सारनाथ जी जिसको कि लॉयन कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है वहाँ अपनी राजधानी के रूप में स्थापित किया था दोस्तों इसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम शांति और मुक्ति का उपदेश करने के लिए दिया था तो याद रखेंगे सम्राट अशोक इज द करेक्ट आंसर यहां से आप लोग नोट कर सकते हैं दोस्तों दोस्तों क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। आ, पे सीमा पर सीमा पर पहला परमाणु बम कब गिराया गया तो 6 अगस्त 1945 ये आप लोग उत्तर सभी कोई सही जानते होंगे नोट कर लीजिएगा और फिर उसके बाद दोस्तों 9 अगस्त को भी गिराया गया था जो कि दूसरा था 1945 में ही सवाल नंबर छ तेरह पे चलते हैं छठी शताब्दी ईसी पूर्व कौन सा काल कहलाता था तो ये याद रखेंगे दोस्तों विश्व में ईसा पूर्व छठी शताब्दी को धार्मिक उत्थान का युग माना गया है ठीक है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हैं धार्मिक उत्तेजना जी हाँ आपका उत्तर यहाँ पे बिल्कुल सही होगा तो डी इज द राइट आंसर यानी कि फोर इज द करेक्ट आंसर इसमें भारत भारत में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय भी इसी समय माना गया है दोस्तों छठी शताब्दी में ठीक है सवाल नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन पे वाक्य शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से कौन सा होगा तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन हिंदी का है अभी मैंने आप लोगों को एक हिंदी का वीडियो बना के दिया था जिसमें कि शब्द की बारे में भी बताया था वर्ण के बारे में बताया था आप लोगों को है ना उसके उच्चारण और उसके प्रकार तो वाक्य का शब्द युग्म है ना शब्द युग्म यदि शब्द है तो अनुच्छेद का शब्द युग्म निम्नलिखित में से क्या होगा तो वाक्य होगा ये ध्यान रखिएगा ये परिभाषा ही है ये ध्यान में रखेंगे सवाल नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है तो मराठी भाषा को लिख सकते हैं आप लोग देवनागरी में इसका एक प्रकार है सवाल नंबर चलते हैं सोलह पे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है तो ये ग्रीनलैंड है आप लोग सभी जानते हैं जो कि लगभग दो करोड़ एक सौ पचहत्तर

ठीक है किसी भी चीज़ का बाढ़ आ जाना मतलब ओवर फ्लो करना ओवर पावर में आ जाना ठीक है ये वो होता है इसका मीनिंग और इसका उल्टा मीनिंग क्या हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा अंडर वेल ठीक है अंडर का मतलब क्या होता है दोस्तों तो अंडर का मतलब होता है फेल टू इम्प्रेस डिसअपॉइंट मतलब कि यहाँ पे संकुचित होना मतलब किसी चीज़ को ना बताना ठीक आंसर यहाँ पे फोर जो है जस्ट अपोजिट वर्ड यहाँ पे होगा ष्ट कटिबंध ये वर्षा वन का विशिष्टता है तो आंसर कर लीजिएगा दोस्तों यहाँ पे अधिकतम जैव विविधता वाला क्षेत्र है जी हाँ आंसर क्या कर लेंगे सी इज द राइट आंसर यहाँ से आप लोग कर सकते हैं जी हाँ सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों उन्नीस पे तिलहन जो कि खाद्य नहीं है तो ये क्या है तो तिलहन याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे जी हाँ एक बिनौला है याद रखें बिनौला यानी कि कॉटन सीड है ये ठीक है क्या है ये कॉटन सीड है ये ये आप लोग लिख सकते हैं और ये एक अखाद्य ऑयल सीड है ऑयल सीड़ है ये ठीक ऑयल सीड़ है ये नोट कर सकते हैं यहाँ पे जिसमें कि कपास का पौधा पाया जाता है ठीक है तो यहां से कर सकते हैं बिनौला सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों बीस पे मसाई निम्नलिखित में से किसकी आदिम जनजाति है बिल्कुल तंजानिया इज द करेक्ट आंसर अगर आप उत्तर कर रहे हैं तो पूर्वी अफ्रीका का एक जनजाति है मसाई जो कि जनजाति लोग हैं जो कि दक्षिण केनिया और उत्तरी तंजानिया में महान विभ्रांस घाटी के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में निवास करते हैं ठीक है आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा सवाल नंबर चलते हैं इक्कीस पे निम्नलिखित में से किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है तो पाकिस्तान से बोला गया है दोस्तों याद रखेंगे जी हाँ डी इज द करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं यहाँ पे पाकिस्तान के सिंध सरकार फर, फरवरी दो हजार चौदह में है ना इस्लामाबाद से प्रार्थना किया कि वे प्रसिद्ध स्टैचू ऑफ डांसिंग गर्ल लौटाने के लिए और भारत सरकार से बातचीत भी की यह स्टैचू 1946 में नाइनटीन में भारत सरकार के अधीन है और 2500 ईसा पूर्व निर्मित करीब 10.8 सेंटीमीटर लंबी कांसे की मूर्ति है ये जो कि नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में रखी गई सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों बाईस पे हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया तो ये राइट ब्रदर्स ने किया था याद रखेंगे डी इज द करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं सत्रह दिसंबर यह अमेरिकन थे ये सत्रह दिसंबर आ, सन 1903 में ठीक है इन्होंने हवाई जहाज का आविष्कार कर दिया सफलतापूर्वक ठीक है और 1905 से 1907 सौ ईस्वी के दौरान दोनों भाइयों ने अपनी फ्लाइंग मशीन के रूप में पंखों सहित वायु से उड़ान भरने वाला विमान भी, भी बना लिया था तो अब यहाँ पे हवाई जहाज का निर्माण हुआ और 1903 में अब सोचिए कि 1900 न, 1900 सौ यहाँ पे पार हो चुका है, यहाँ पे 2021 तक जो अमेरिका है वो सूरज पे जाने की भी कोशिश कर रहा है सूरज के परतों के बारे में अध्ययन कर रहा है तो बहुत ही ज्यादा डेवलप हुआ है वहाँ पे सवाल नंबर तेईस पे चलते हैं नीचे दिए गए विकल्पों समास है। नोट कर सकते हैं यहां से दोस्तों। 23 का यहां पे उत्तर देखना चाहते हैं तो मैं बता नीचे दिए गए छाटना मतलब समाज बताना इनमें से कौन है तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन हटा दिया गया मतलब जो एक लिखा गया था देशांतर पूछा है दिशांतर जो है ये आपका कौन सा समास है ठीक है ये क्वेश्चन है यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक है यहाँ पे आप, आप लोग का छूट गया है तो दिशांतर जो है आपका कर्मधार्य समास होता है सवाल नंबर चलते हैं चौबीस पे किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने वनडे वंडर्स वन नामक पुस्तक लिखी है तो क्या सुनील गवास्कर हैं वो सी इज द करेक्ट आंसर पूर्व भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान भी रह चुके थे सुनील गवास्कर और क्वेश्चन नंबर चलते हैं सिख धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है तो सिख धर्म की पवित्र पुस्तक है दोस्तों याद रखिएगा गुरु ग्रंथ साहिब इज द राइट आंसर डी इज योर करेक्ट आंसर अच्छा ये चीज और पूछ सकता है यहाँ पे कि सिखों द्वारा इस ग्रंथ को ग्यारह धार्मिक सिख गुरुओं के वंश परंपरा के बारे में लिखा गया और अंतिम और सम प्रभु गुरु भी इनको माना गया दोस्तों चौदह पेजों का यह विशाल ग्रंथ है जिसमें कि चौदह से लेकर सत्रह ईस्वी के मध्य सिख गुरुओं के शासन काल को यहाँ पर संपादित किया गया है सवाल नंबर चलते हैं छब्बीस पे लेखक की पुस्तक में रष्टी नामक पात्र है बिल्कुल एक पुस्तक है यहाँ पे दोस्तों द एडवेंचर ऑफ रस्टी है ना द एडवेंचर द एडवेंचर ऑफ रस्टी है ना रस्टी तो इसमें रस्टी जो है नामक जो पात्र है ये किसका है पात्र ये है तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर छब्बीस का ये रस्किन बॉन्ड के बारे में यहाँ पे बताया गया है ठीक है जो कि बच्चों के लिए कहानियां पुस्तकें लिखने के लिए प्रसिद्ध है और भारत में बच्चों के सर्वाधिक लोकप्रिय लेखक भी हैं सवाल नंबर सत्ताईस पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ट्रॉफी क्रिकेट में नहीं दी जाती है तो राइडर कप नहीं दिया जाता है याद रखिएगा ये गोल्फ से संबंधित ये कप है ठीक है तो सवाल नंबर चलते हैं 28 पे योग्यम योग्यतम की उत्तर जीविता है ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसने प्रतिपादित किया है द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का प्रतिपादन चार्ल्स डार्विन ने किया था याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनके अनुसार केवल सर्वाधिक ताकतवर और सर्वाधिक बुद्धिमान व्यक्ति का ही अस्तित्व रहना चाहिए का मानना है। चलते हैं यहाँ पे, 29 पे। दोस्तों आंसर कर यहाँ पे ग्वालियर का किला अकबर ने नहीं बनवाया था ठीक है ये हिल फोर्ट है ठीक है और मध्य प्रदेश में ग्वालियर के निकट स्थित है यह फोर्ट डिफेंसिव स्ट्रक्चर पर आधारित है जिसमें कि दो महल गुरजारी महल और मन मंदिर महल शामिल है दोस्तों और ये आठवीं शताब्दी में बनवाया गया दोस्तों मानसिंह के द्वारा ठीक है मानसिंह तोमर थे उनके द्वारा यह बनवाया गया था सवाल नंबर चलते हैं तीस पे दोस्तों वृक्षों के लघुकरण यानी कि छोटा करने की जापानी कला का नाम बताइए जापान में बोनसाई है ना याद रखेंगे बोनसाई से तात्पर्य होता है कि पेड़ों और पौधों के लघु रूप को पात्रों में सुंदरात्मक पूर्व सजाने की कला को कहते हैं तो यहां से हम लोग बोनसाई कह सकते हैं ए इज द राइट आंसर सवाल नंबर इकतीस दोस्तों आंसर करेंगे देखिये रीअरेंज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर तो ये आपका अंग्रेजी का सवाल है इसको री ऑर्डर में करना है और ये पी क्यू आर करके तीन ऑप्शन दिए गए हैं ठीक है तो सही क्रम कौन सा है ये बताना है तो द इन्वेंशन ऑफ द टर्बाइन बाई ये एक सेंटेंस है इसको पूरा करना है द इन्वेंशन ऑफ द विटल इन इंग्लैंड एंड इन दोनों के द्वारा किया गया उसके बाद दोस्तों चेन इन द जर्मनी इन 1939 थर्टी द फिर लास्ट में हो जाएगा द बिगिनिंग ऑफ द जेट ट्रांसपोर्टर तो यहां से आपका जो आर क्यू और पी जो है क्रम आपका सही होगा तो उत्तर यहाँ पे आप लोग बी कर लीजिएगा समझ गए पे आंसर 31 का क्या कर लेंगे बी इज द राइट आंसर सवाल नंबर बत्तीस पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जी का मान क्या होगा पृथ्वी की सतह के ऊपर या ऊपर या नीचे की जाने की ओर जो जी का मान है वो घटता है जी का मान पृथ्वी के या पोल पर यानी कि नॉर्थ पोल साउथ पोल पर महत्तम होता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो यहाँ पे आंसर क्या कर लेंगे या वृत्त की अपेक्षा ध्रुव पर अधिक होता है तो ए इज द राइट आंसर सवाल नंबर तैतीस निम्नलिखित में से कौन विषय हमारे संविधान की समवर्ती सूची में शामिल नहीं है तो नहीं बोल दिया गया है तो यहाँ से याद रखिएगा शेयर बाजार के बारे में कोई बात यहाँ पे नहीं कहा गया है सवाल नंबर चलते चौतीस पे भारत के राष्ट्रपति को स्वेच्छा निर्णय अधिकार के अंतर्गत क्या प्राप्त है प्रधानमंत्री की नियुक्ति ठीक है ये राष्ट्रपति करता है याद रखेंगे आंसर यहाँ पे क्या करेंगे इट्स प्रधानमंत्री की नियुक्ति दोस्तों प्रधानमंत्री की नियुक्ति में जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ हो और मंत्री परिषद की बर्खास्तगी पर जब लोकसभा के बहुमत का विश्वास खो दिया हो और लोकसभा के विघटन पर जब मंत्री परिषद का बहुमत खो गया हो तो इन परिस्थितियों में विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकते हैं राष्ट्रपति ओके तो यहां से आंसर ए कर लेंगे सवाल नंबर पैंतीस पे चलते हैं सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड तो आप आंसर कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये यह वैसे तो सभी सही लिख दिया गया यहाँ पे कोई एक वर्ड को गलत छोड़ना था यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है तो आंसर ए कर लीजिएगा इज द राइट आंसर सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों यहाँ पे आ, का मतलब होता है परिचित व्यक्ति परंतु यहाँ पे थोड़ा देख लीजिएगा इसका मतलब होता है एकवेटेंस का मतलब होता है परिचित व्यक्ति परंतु घनिष्ठ मित्र नहीं कह सकते हैं इसको ठीक है ठीक है इसका मतलब होता है सवाल नंबर छत्तीस पे चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी साहित्य प्रीति कृष्णदेव राय ने लिखी है जो प्रति है ये प्रति है है प्रीति ठीक समझ गए प्रति प्रति लिख दिया गया तो साहित्य प्रति जो है कृष्णदेव राय ने लिखी है तो अनुक्त मल्यादा नोट कर सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बी इज द करेक्ट आंसर नोट कर सकते हैं सवाल नंबर चलते हैं सैंतीस पे जो किसी के हित चाहता हो जी हाँ उसको हितैषी कहते हैं याद रखेंगे अनेक शब्दों का एक शब्द बना सवाल नंबर अड़तीस निम्न में से कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है तो संगठन है उसका मुख्यालय है तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन को लंदन से मिला दिया गया है जो कि मैच यहाँ पे आपका गलत होता है अंतरराष्ट्रीय नागर विमान संगठन आई जो है ये नागर है ठीक है आईसीएओ जो है ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो कि अंतरराष्ट्रीय वायु नौ सिद्धांत तकनीकों को नियंत्रित करती है अंतरराष्ट्रीय वायु यातायात के विकास और योजना के पालन भी करती है इसका मुख्यालय कैनेडा में है मॉन्ट्रियल याद रखेंगे लंदन में नहीं होगा मॉन्ट्रियल कैनेडा क्या के? याद रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं चालीस पे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए अब इनमें से आपको बताना है तत्सम शब्द कौन सा है तो नी और जीव निर्जीव जो है नीह प्लस जीव है ना ये आपका तत्सम शब्द हो गया निर्जीव सवाल नंबर चालीस पे चलते हैं वे वस्तुएं जो कि जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित है क्या कहलाती है जी हाँ अत्यंत वस्तुएं कहलाती हैं वो डी इज द करेक्ट आंसर सवाल नंबर इकतालीस नगद आरक्षण अनुपात तथा खुले बाजार की क्रियाओं में विचरण किसके साधन है इकतालीस का आंसर कर लीजिएगा बैंक की जो बैंक रेट होता है यानी कि बैंक रेट की जो नीति है खुला बाजार परिचालन और नगद आरक्षित अनुपात की भिन्नता को दर्शाता है इसको हम लोग मौद्रिक नीति के साधन होते हैं इसके मौद्रिक नीति के साधन कहते हैं इसको तो आंसर यहाँ पे क्या कर लेंगे इट्स सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है यह कथन किसका है तो अरिस्तो इज द राइट आंसर नोट कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों ठीक है और आंसर यहाँ पे कर लीजिएगा पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं ये नाम पुस्तक अरस्तु के ठीक है सवाल नंबर चलते हैं तैतालीस पे सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल सॉरी बेस्ट सब्सिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस एक्चुअली डिस्टेरिज एक्चुअली uh, डिस्ट्रेसिंग तो अल्टरनेटिव वर्ड सुनना है एक्चुअली डिस्ट्रेसिंग का हम्म hmm. तो यहां से आप आंसर क्या कर सकते हैं का इज द करेक्ट वर्ड एक अल्टरनेटिव वर्ड हो जाएगा हॉरविंग का मतलब होता है उत्पीड़क लोगों को दुखी या परेशान कर देने वाला ठीक है तो ये डिस्ट्रेसिंग का भी मतलब वही होता है ठीक है याद रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं चौवालीस पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था तो ये तो आप लोगों में कल भी कराया था क्वेश्चन अकबर इज द राइट आंसर नोट कर सकते हैं यहाँ से आप लोग ठीक है और 1800 सॉरी माफ सोलह सो ना सोलह ईस्वी में स्थापित किया गया था और उस समय भारत अक, भारत में अकबर का मुगल शासन चल रहा था सवाल नंबर फोर्टी लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं घटी थी तो नहीं घटी थी तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था उस समय ये अठारह में हुआ था ठीक है याद रखेंगे सवाल नंबर चलते हैं छियालीस पे फ्रांस में आतंक के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी तो ये थे रॉबिस पियर इज द राइट आंसर नोट कर सकते हैं यहाँ से दोस्तों ठीक है इज द राइट आंसर सवाल नंबर चलते हैं सैतालीस पे रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त विकल्प चुनिए तो राष्ट्र की खाली जगह के लिए शहीदों ने अपना बलिदान कर दिया शान के लिए बिल्कुल यहाँ पे उत्तर हो जाएगा इज इज द द बी राइट आंसर अड़तालीस वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन की ओर प्रवृत्त है क्या कहलाती है तो वो कहलाती है लेटराइट मिट्टी याद रखेंगे दोस्तों निछालन प्रक्रिया जो है मृदा में रिसते हुए पानी द्वारा घुलनशील तत्वों के नीचे बहते चली जाती है ठीक है तो याद रखेंगे लेटराइट मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा के चलते भी बनती है सवाल नंबर चलते हैं दोस्तों पे। रेगिस्तान क्षेत्र में मरुस्थल चट्टान का निर्माण किसका उदाहरण है तो रेगिस्तान में मरुस्थल चट्टान का निर्माण वायु के अपघर्षण की प्रक्रिया जी हाँ अपघर्षण की प्रक्रिया जो होती है उसमें बनती है साधारण बालू जो है धरातल से अधिक ऊंचाई तक नहीं उठ पाती है फलतः वो बहुधा रेगिस्तान के रूप में फॉर्मेशन अपना ले लेती है और रेगिस्तानी प्रदेश में पहाड़ियों और चट्टानों के निचले जो भाग जो अपघर्षित होकर पतले और संकीर्ण हो जाते हैं किंतु ऊपर का धड़ जो है अप्रभावित छूट जाता है इस प्रकार के जो अद, मतलब अंडर कटिंग होते हैं जो चीज़ अधोरण कहते हैं उसको उसको कुकुरमुत्ता भी कहते हैं दोस्तों ठीक है सदृश दिखते हैं वो ठीक है कुकुरमुत्ता सवाल लंबा चलते हैं फिफ्टी पे दोस्तों यहाँ पे चार विकल्पों में से पेमेंट असंगत शब्द को चिन्हित कीजिए असंगत को असंगत मतलब कि यहाँ पे एक ऑड है ठीक है तो इनमें से देखिए सामिस शाकाहारी और बुभुछु, बुभुछु। तो बुबूछू जो है ना एक मांसाहारी ठीक है शब्दों में आता है मतलब कि ऐसे जीव जो कि मांसाहारी चीजों को खाते हैं तो इनमें से असंगत शब्द है ठीक है नोट कर सकते हैं यहाँ से बाकी ये तीनों का मतलब एक ही होता है शाकाहारी ठीक है तो यहाँ से आपका आंसर डी हो जाएगा इज द राइट आंसर तो दोस्तों हमने देख ला है आपको यहाँ पे पचास प्रश्न इन सेशन में आपको क्वेश्चन का पैटर्न कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्यूज़ लगाइए यहाँ पे कितने उत्तर सही कर पा रहे ये भी हमें बताइए यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रोज़ शाम पाँच बजे ये सेट आया जा रहा है और आज का जो हिंदी वाला सेट है वो जरूर देख लीजिएगा वहाँ पे नेक्स्ट वीडियो कल आपको जरूर दिया जाएगा हिंदी से रिलेटेड धन्यवाद